ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सारे लोग? बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। शुभ्रुजा, अमित, नदीम, एक्टिव ट्रोजन, शेख, मोलाली, प्रभात, सारे लोग बहुत अच्छे हैं आई होप, है ना? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। अच्छा, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप सारे लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार कंफर्म करना डियर। ओके, चलिए, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद दिस कोट ऑफ द डे, या वी कैन रादर से थॉट ऑफ द डे। तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे क्या है डियर? द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। जो भी आज अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है, वो कभी ना कभी अपने समय पे जब स्टार्ट कर रहा था, वो भी तो बिगिनर था ना। तो अगर आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हो, इनिशियली बहुत गलती हो रहा है, तो आप इस बात से अपसेट मत होइए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, यस और नो? तो अगर आप या कोई भी पर्सन अभी किसी फील्ड में एक्सपर्ट हुए हो, जस्ट रिमेम्बर द डे जब आपने उसको इनिशिएटिव लिया था, जस्ट बिगिन किया था, है ना? तो हम सारे लोग कहीं ना कहीं बिगिनर वाले स्टेज से ही आए हैं, तो एकदम मेहनत करते रहना है। डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा इफ वी आर एंडेवियर्स आर ट्रू एंड परफेक्ट, यस और नो? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कंटिन्यू करें। सो एक बार देख लिया जाए आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एवरी क्लास की तरह थोड़ा थोड़ा आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद वोकैबुलरी, फिर फ्राइडे स्पेशल इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना? तो शुरू करें। चलो, सो सबसे पहला आर्टिकल क्या बोल रहा है? द ड्रीम ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, है ना? एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड का ड्रीम मतलब क्या? कि इस तरीके से कंट्री वाइज या कम्युनिटी वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। एम आई नॉट ऑडिबल प्रॉपरली विनम्र? एक बार कंफर्म करिए विनम्र, विकल्प, एक बार कंफर्म करो डियर। क्या आवाज बहुत स्लो आ रहा है? नहीं सुनाई दे रहा? क्लास फॉलो नहीं हो पाएगा? एक बार कंफर्म करना डियर। चलो, द ड्रीम ऑफ अ बॉर्डरलेस, बॉर्डरलेस का मतलब विदाउट एनी डिविजन, यूनिफाइड। हियर द टर्म बॉर्डरलेस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग एन आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन, है ना? यूनिफिकेशन इसका टर्म है। थैंक यू मैडम, निकिता मैडम, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन डियर। द ड्रीम ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, तो देखो क्या बोला जा रहा है, आगे पढ़े। मोर देन द बायोलॉजिकल वायरस, ये जो एक्चुअल वायरस ने हमें जो ये 2 साल से परेशान किया, मोर देन द बायोलॉजिकल वायरस, उससे भी ज्यादा परेशान, उससे भी ज्यादा टेंशन वाला पार्ट क्या है? मोर देन द बायोलॉजिकल वायरस, सिविलाइजेशन इज एक्सपीरियंसिंग अ पेंडेमिक ऑफ बैरियर्स। ये वायरस वाला पेंडेमिक तो है ही, है कि नहीं? पेंडेमिक तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा है बैरियर्स एंड बैरिकेड्स वाला अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना? लोगों में कोई सेंस ऑफ ब्रदरहुड नहीं है, कोई यूनिफिकेशन नहीं है, एक दूसरे के पीछे हम लोग लगे पड़े हैं, है ना? कैसे किसी को नीचा दिखाए, कैसे किसी को परेशान करे। सो दिस आर द थिंग, ये सबसे बड़ा पैंडेमिक है हमारे बीच आज, है ना? तो सबसे पहले हमको इस पैंडेमिक को ओवरकम करना पड़ेगा और सारे दुनिया भर के लोगों को यूनिफाइड फील करना पड़ेगा। इफ वी फील यूनिफाइड, देन ओनली वी कैन एक्ट इन यूनिटी, यस और नो? चलो नेक्स्ट, उसके बाद द मोर आई सी इमेजेस ऑफ रेसिस्ट वायलेंस। अच्छा बताओ, रेसिस्ट, ये रेसिस्ट वर्ड किसको रेफर किया जाता है, बोलिए जरा? ये जो रेसिस्ट हम लोग बोल रहे हैं, रेसिस्ट किसको रेफर करते हैं? जो कास्ट, कलर, क्रीड या रेस को लेके बहुत ज्यादा ही हाई, मतलब लोगों को नीचा दिखाए, है ना? तो रेसिस्ट किसको बोलेंगे? One who looks down upon other people considering them to be inferior
race. ठीक है, कंसिडरिंग देम टू बी ऑफ इंफीरियर रेस, इसको हम लोग रेसिस्ट बोलते हैं. ठीक है, कास्ट, कलर, क्रीड या रेस को लेके जो लोग डिस्क्रिमिनेट करें. वेरी गुड, कलर डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो एकदम एकदम करेक्ट आंसर इतिश्री मैम. राइट, तो देखो द मोर आई सी, जो नैरेटर ने बोला है, जितना उनको दिखता है ये रेसिस्ट वायलेंस ऑफ द डिस्पोज्ड सी. अच्छा बताओ, डिस्पोज्ड सी ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जो फ्रेज है सी ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज सी ऑफ ह्यूमैनिटी? सी ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब बताइए कोई मुझे. एनी वन ऑफ यू गिव इट अ ट्राई, ना नहीं हुआ तो डियर हम बता देंगे. सी ऑफ ह्यूमैनिटी का मीनिंग बताओ क्या होगा. सी ऑफ ह्यूमैनिटी का एक्चुअल मीनिंग होता है ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन क्वालिटीज लाइक काइंडनेस या तो मर्सी. ठीक है, इंसान को काइंड या मर्सीफुल माना गया है क्योंकि उसके पास सोचने समझने की कैपेसिटी दी है भगवान ने, है ना. सी ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब लैक नहीं होता है डियर, ह्यूमन क्वालिटीज होता है. ह्यूमन क्वालिटीज सच एज काइंडनेस, मर्सी एटसेट्रा. यस मैनकाइंड, यस विनम्र, आप मैनकाइंड टर्म से रेफर कर सकते हो. ठीक है, अब डिस्पोज्ड का मतलब क्या है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म? इसका मतलब डिप्राइव्ड. तो अब देखो क्या बोला जा रहा है, ये जो रेस को लेके, कलर को लेके जो वायलेंस एक्टिविटी परफॉर्म किए जा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि इंसान में से इंसानियत ही मिट चुका है ना. डिस्पोज का मतलब क्या है, अलग जगह में हटा के रख देना, मतलब मिट जाना. तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे अभी दिख रहे हैं इवेंट्स, उससे ये पता चल रहा है कि इंसान के अंदर से धीरे धीरे क्या खत्म हो रहा है, इंसानियत ही खत्म हो जा रहा है ना. नेक्स्ट, ट्रैवलिंग हंड्रेड्स ऑफ माइल्स बाय फुट, तो सबसे पहला क्या है, हंड्रेड्स ऑफ माइल बाय फुट टू रीच देयर होम. इंडिया में लास्ट ईयर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स लोग पैदल चल के एक स्टेट से दूसरे स्टेट आए अपने घर पहुंचने के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन. यस ऑर नो? तो ट्रैवलिंग हंड्रेड्स ऑफ माइल्स बाय फुट टू रीच देयर होम, ऑफ माइग्रेंट्स बीइंग टर्न्ड बैक By xenophobia. अच्छा बताओ xenophobia का मतलब क्या है? Can anyone of you tell me the meaning of the term xenophobia? कोई मुझे xenophobia का meaning बताओगे? What is the meaning of this particular term xenophobia, dear? चलिए पता करते हैं. xenophobia का मतलब ही होता है ना racist, है कि नहीं? Color wise अगर आप कोई भी तरीके का distinction कर रहे हो, उसी को dear अपने लोग xenophobia term से refer करेंगे. ठीक है, caste, color, creed related. तो देखो, टर्न बैक बाय ज़ेनोफोबिया माइग्रेशन पॉलिसीज एट मेक्सिकन बॉर्डर. ठीक है, मेक्सिकन बॉर्डर से भेज दिया जा रहा था, है कि नहीं? माइग्रेशन रोक दिया गया था रिगार्डिंग सम सॉर्ट ऑफ न्यू पॉलिसीज दैट वाज इंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड ऑफ वल्नरेबल हंग्री पीपल मूविंग फ्रॉम सोमालिया टू जॉर्डन. बहुत ही ज्यादा भूखे लोग, मतलब क्या, अगर वो लोग ट्रैवल कर रहे पैदल तो उनके पास रिसोर्सेस या जो भी है रिफ्रेशमेंट शायद उतना ज्यादा सप्लाई में नहीं है, है कि नहीं? राइट, तो देखो वल्नरेबल हंग्री पीपल मतलब जो लोग इतने ज्यादा भूखे हैं कि वो लोग वल्नरेबल हो गया है. वल्नरेबल वर्ड का मतलब क्या है बताओ? तो ये जो वल्नरेबल टर्म यहाँ पे लिखा है कब बोलते हैं बताइए? Prone to damage. जो चीज बहुत जल्दी damage हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है, उसको अपने लोग vulnerable term से refer करते हैं. ठीक है, prone to damage. Moving from Somalia to Jordan और Bangladesh to India. तो Somalia से चाहे वो लोग Jordan में आए या बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेट करे, फिर उसके बाद और ऑफ अ व्हाइट पुलिसमैन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था लास्ट ईयर, है ना, ऑफ अ व्हाइट पुलिसमैन सफोकेटिंग एन अफ्रीकन अमेरिकन विथ हिज नी प्रेस्ड ऑन टू हिज नेक, सॉरी प्रेस्ड इनटू हिज नेक. राइट,
तो हम लोग को पता है ये सारे इवेंट्स. ओके, द मोर आई एम कंपेल्ड. कंपेल्ड का मतलब क्या है डियर? वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपेल्ड? मेड टू डू समथिंग. मेड टू डू समथिंग. जैसे अगर मैं आप लोगों को बाउंड कर रही हूं कोई काम करने के लिए, तो आई एम कंपीलिंग यू ऑल ना. कंपल्शन इम्पोज किया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, है ना? तो कंपील का मतलब क्या होगा? मेड टू डू समथिंग. तो द मोर आई एम कंपील टू थिंक दैट द वर्ल्ड नीड्स टू राइज अबव द फ्रेंजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फ्रेंजी? निकिता मैडम, क्या आप फ्रेंजी वर्ड का मतलब बताओगे? यस, बताओ. या शिवम पटेल सर, आप फ्रेंजी का मीनिंग बताओगे? विनम्र, आप बताओ. यस, वल्नरेबल का मतलब विनम्र फ्रजाइल भी होता है. डेफिनेटली ट्रू है. यहाँ पे अपने लोग फ्रजाइल भी लिख सकते हैं. यस दीपक सर, करते हैं. पहले फ्रेंजी का मीनिंग बताओ. चलो, फ्रेंजी का मतलब अगर देखा जाए, उसका मतलब होता है एक तरीके का वो मैनिया है, पागलपन है ना? आप हिस्टीरिया बोल सकते हो, मैडनेस बोल सकते हो. अब डिस्पोज्ड, DISPOSSED, इसका मतलब होता है डिप्राइव, वंचित करना. दीपक कुमार वर्मा सर, डिस्पोज्ड वर्ड का अगर आप मीनिंग पूछ रहे हो, तो कोई भी चीज से अगर आपको वंचित कर दिया जाता है कि चलो. दीपक सर का डाउट इस क्लास में नहीं बताया जाएगा, बाकी सबका डाउट हम बताएंगे. बस एक दीपक सर है जिनका डाउट हम नहीं बताएंगे. तो आपको आपके राइट्स से वंचित किया ना मैंने, यस और नो? राइट, आपको आपके राइट्स से क्या किया मैंने? वंचित. अगर बाकी स्टूडेंट्स का डाउट बताएंगे, तो ये आपका भी हक है कि आपका भी डाउट क्लियर हो. ठीक है, तो आई डिस्पोज्ड यू फ्रॉम योर राइट्स टू रेज योर क्वेरी. गॉट इट? अभी समझ में आया निकिता मैडम? डिप्राइव्ड का मतलब, डिप्राइव्ड का मतलब हिंदी में बोले तो वंचित करना होता है. कोई भी चीज से अगर आपको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू. ठीक है, डिस्पोज्ड का मतलब चलो ये भी लिख देते हैं. Not allowed to, जो भी चीज है. ठीक है, चलो next. Yes, it's a kind of madness. Frenzy का अगर बात करेंगे, it's a kind of madness. Next, उसके बाद of labels of race, gender, caste, religion, political bias, and begin instead to address as one people the issue that are far more crucial to humanity. तो बोल रहे हैं हम सारे लोगों को ये रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजियन, पॉलिटिकल बायस से ऊपर उठना है ना? इनसे आगे बढ़ना है और उन मैटर्स को इम्पोर्टेंस देना है जो ह्यूमैनिटी के खातिर बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जहां सारे लोग इकट्ठा होके ही उनको एड्रेस कर सकते. इंडिविजुअली एड्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. गॉट इट? बताओ, यहां तक क्लियर है ना? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़े. अब देखो इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से रीड करना डियर. फाइन, इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से रीड करना और इसके ऊपर आप लोग के क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे और पब्लिक कमेंट में बताओगे जैसे बताते हो. दुर्गेश, आई थिंक यू आर मेकिंग अ मिस्टेक समवेयर. ओके, चलो तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये रखेंगे. Why do we need a borderless world? Answer with respect to the passage. खुद से नहीं बताना, पैसेज में जो पॉइंट है वही लिखने हैं और पॉइंट वाइज नहीं. ठीक है, आप पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, नो, नॉट लाइक दैट. आप इसको पढ़ना आपको मिल जाएगा. ठीक है, देखो अलग अलग यहाँ पे कैप्शन है. अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, आपको दिख रहा होगा. देखो अलग अलग कैप्शन है. द रियल इमेज, राइट्स फॉर ऑल, है ना? फिर यहाँ पे टायरनी ऑफ द मेजोरिटी. जो लोग, जिनके पास पावर होता है वो लोग मेजोरिटी टायरेंट बन जाते हैं, क्रूअल बन जाते हैं. एंड ऑन स्लॉट. फिर लास्ट में द पावर ऑफ पीस. ये है मुद्दा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना. पढ़ के अगर कोई भी डाउट होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना.
जिस पार्ट में आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना, लेके आप लोग इंग्लिश महिंद्राज लाइव में शेयर कर सकते हो, बता दिया जाएगा, ठीक है, एट लेजर टाइम बता दिया जाएगा, मैं आपको टाइम भी बता दे रही हूँ। अगर टाइम का देखिए तो हम आपको टाइम भी बता दे रहे, उस समय के बीच अगर आप पूछोगे तो आई विल बी फ्री, आई कैन गाइड यू। चलो, तो आप लोग मुझसे इस आर्टिकल से रिलेटेड या जो भी डाउट्स वगैरह है तो आज 4 to 5 के बीच में पूछ सकते हो, आई विल बी फ्री एंड अवेलेबल, ठीक है। आप लोग कहाँ पोस्ट करोगे अपने डाउट? इंग्लिश महिंद्राज लाइव में। ओके, चलिए, अपने डाउट्स के लिए चलिए नेक्स्ट। आफ्टर दैट आ गए अपने लोग आर्टिकल नंबर 2 में, ठीक है, आ गए हम लोग कहाँ? आर्टिकल नंबर 2 में। वेरी गुड मॉर्निंग सुषमा मैम। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोल रहा है? लेट्स रीड इट आउट अलाउड। द रोप ऑफ फेडरलिज्म। अच्छा बाबू, फेडरलिज्म का मतलब क्या है? बहुत बार सिखा चुके हैं आप लोगों को। द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर। अभी ये बर्निंग इश्यूज में है कि नहीं? राइट, स्टेट और सेंटर का जो कॉन्फ्लिक्ट है। येस्टरडे एक मैडम ने मुझे सजेस्ट किया था टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स। ऑफ कोर्स मैडम, इस पे आपका जो सजेशन है एकदम एक्सेप्टेड है, लेकिन आप लोग बताइए, कभी कभी कुछ कुछ भले एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते, इस तरीके के आर्गुमेंटेटिव टॉपिक नहीं आते हैं, लेकिन कहीं कुछ राइटिंग्स में हम लोग को थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन यूज करने हो सकते हैं, इसीलिए बताया जाता है। अब देखो, एकदम ये मत सोचना कि दीज आर ऑल माई व्यू पॉइंट, ऑफ कोर्स नॉट। जैसा लिखा होता है आई जस्ट सिंपली ट्राई टू एक्सप्लेन, एंड इसमें अपना कोई पर्सनल, ना आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो ना हम दे रहे हैं, वी आर सिंपली डिस्कसिंग व्हाट इट इज रिटन इन द न्यूज पेपर। ओके, सो कोई इल फीलिंग मत रखना, कोई ग्रज नहीं रखना, राइट? चलो, द रोप ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या है डिया? कौन बताएगा मुझे? अच्छा, मोहम्मद फैजल क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मैम प्लीज बताइए, लेकिन उससे पहले क्या बताएं, क्वेश्चन क्या है? फैजल सर ने क्या पूछा है, मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। फैजल सर, डियर, आप एक बार अपना क्वेश्चन जरा पोस्ट कर दीजिए, हम बता देंगे क्या डाउट है आपका। अच्छा, क्वेश्चन दिख गया, दिख गया मुझे। डेट्स वगैरह सब वहां मेंशन है डियर, कुछ टारगेटेड है अगस्त, एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है लेकिन टारगेटेड है अगस्त ईयर, ठीक है, अगस्त के कितने तारीख वो मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, ठीक है। फैजल सर, आपका क्वेश्चन मिल गया मुझे, ठीक है। चलो देखो, द रोप ऑफ फेडरलिज्म। यस, फेडरलिज्म का मतलब अगर हम लोग बोले तो इंडिया में फेडरल गवर्निंग सिस्टम है ना, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का ये एक दूसरा अट्रैक्शन है कि इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से है। स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरलिज्म हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि अमेरिकन फेडरलिज्म से थोड़ा सा अलग है ना, यस और नो? राइट, यहाँ पे लोगों को सिंगल वोटिंग राइट्स मिलता है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल वोट देते हैं वो लोग, राइट? तो आप लोग बताओ फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, फिर हम लोग इसके मीनिंग में क्या लिखेंगे? इट मीन्स ड्यूअल गवर्निंग सिस्टम। अगर अपने लोग फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे डियर, फेडरलिज्म का मतलब क्या होगा? फेडरलिज्म का मीनिंग होगा ड्यूअल गवर्निंग सिस्टम, एकदम सेंटर और स्टेट लेवल पे। तो फेडरलिज्म का जो रस्सी है उसको लेके टग ऑफ वॉर चल रहा है। टग ऑफ वॉर का मतलब पता है ना आप सारे लोगों को, है कि नहीं? राइट, हम पूछे क्लास टाइमिंग। क्लास टाइमिंग हमारा है सर जी 7:30 to 8:30, ठीक है, हमारा जो क्लास टाइमिंग है डियर 7:30 to 8:30 का टाइमिंग है, राइट? तो ये जो फेडरलिज्म वाला रस्सी है उसी से टग ऑफ वॉर चल रहा है, कौन किसके तरफ खींचेगा, है कि नहीं? तो देखो आगे पढ़ते हैं, व्हाट इट इज सेड, द कॉन्ट्रोवर्सी। देखो यहाँ पे भी कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है ना, द कॉन्ट्रोवर्सी इन वेस्ट बंगाल ओवर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू इज एन एबरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? ए बी ई डबल आर ए, देखो एबर फिर रेशन, है ना, एबर फिर रेशन, ऐसे हम लोग इसको तोड़ के याद रख सकते हैं, इन द फेडरल पॉलिटी। कैन एनी वन ऑफ यू गिव एन अटेम्प्ट ऑफ दिस वर्ड? ट्राई
ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस वर्ड, इसका कोई सीधा साधा मीनिंग बताओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म डियर? जल्दी जल्दी ट्राई करो. इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? यस, खींचा तानी. करेक्ट. टग ऑफ वार का मतलब इट्स अ काइंड ऑफ गेम. शायद आप लोग अपने स्पोर्ट्स डे पे प्रैक्टिस करते थे, है ना? बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. वेरी गुड मॉर्निंग शीला मैम. राकेश सर को भी वेरी गुड मॉर्निंग. चलो, इसका मतलब है डेविएशन, है ना? आप डेविएशन बोल सकते हो, डिरेल्ड बोल सकते हो, डिस्ट्रैक्ट बोल सकते हो. ये सारे टर्म्स यूज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टर्म को इंडिकेट करने के लिए. ठीक है, चलो आगे बढ़े. द सेंटर वेस्ट बंगाल कॉन्ट्रोवर्सी ऑन द कंडक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल्स फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आलपन बंदोपाध्याय इन द फाइनल डेज ऑफ हिज टेन्योर. डियर, टेन्योर का मतलब कोई बताएगा मुझे? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द टर्म टेन्योर? टेन्योर का मतलब बताओ डियर. डिस्कनेक्ट बोल सकते हैं. डिस्कनेक्ट कैन बी अ टर्म यूज फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म. यस, डिस्कनेक्ट चलेगा विनम्र. टेन्योर का मतलब बताओ. जैसे बताइए, हमको बोला गया, महिंद्रा ने हमको बोला कि मैडम ये जो 2 मंथ का हमने आपको समय दिया, ये 2 मंथ आप सुबह वाला एडिटोरियल पढ़ाओगे, फिर आपका टेन्योर खत्म होने से फिर से वोटिंग होगा, री इलेक्शन होगा, है ना? 2 मंथ का टेन्योर है, फिर से वोटिंग होगा, री इलेक्शन होगा, फिर से डिसाइड किया जाएगा. इस तरीके से अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो टेन्योर का मतलब ड्यूरेशन. जैसे कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होता है तो 5 साल का होता है ना, यस और नो? तो कोई भी पोस्ट के लिए जब कोई ओहदा होता है, कोई कमिटी होता है, उसका भी टेन्योर होता है. तो टेन्योर का मतलब समझ में आया ना, यस और नो? चलो, इन मे हैज थ्रोन अप. थ्रोन अप का मतलब क्या है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म थ्रोन अप? ब्रॉट आउट या तो रेज्ड. ठीक है, सामने लाना, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोन अप. नेक्स्ट, उसके बाद several political and administrative issues that deserve our attention for the future health of our federal polity. To is incident se bahut sare aise political and administrative issue aaye hain jisko attention dena zaruri hai hamare federal polity ke health ko maintain karne ke liye. Matlab ye jo federal governing system hai, hai na, isko well tarike se, in a well ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करने के लिए वी नीड टू बी अ बिट कंसर्न अबाउट द थिंग्स जो के सामने फेंकना, नॉट एग्जैक्टली निकिता मैडम, राइट? ब्रिंग टू लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सामने लाना. बहुत सारी दुविधाएं हमारे सामने आई हैं. नेक्स्ट, इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट, मतलब पूरा पूरा अगर देखें, देयर आर टू एलिमेंट्स विच नीड टू बी केप्ट इन माइंड. दो चीज को हमको याद रखना है विथ वाइल डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट. फर्स्ट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. हमको सबसे पहला बात ये याद रखना है कि इंडिया क्या है डियर? यूनियन ऑफ स्टेट्स है. इन एंड इन दिस यूनियन द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा. इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसमें स्टेट्स को सबॉर्डिनेट नहीं माना गया है ना? वो एक कंसेंसस फॉर्म होके इंडियन यूनियन बनता है. गॉट इट? तो आप अगर स्टेट्स को यहाँ पे सबॉर्डिनेट मान के या सबॉर्डिनेट एजेंसी मान के चलोगे तो कहीं ना कहीं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को ओवरलुक कर रहे हो. तो ये बात हमको याद रखना पड़ेगा. दूसरा, देयर आर नो डाउट मैटर्स एनंकेटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? ई एन यू एन सी आई ए टी डी, एनंकेटेड. इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब है अटर या तो आर्टिक्यूलेट, है ना? जब हम किसी चीज को बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, है ना, उसको अटर बोलते हैं ना, यूटीटी अटर. दैट मींस आई एम अटरिंग ऑल दीज साउंड्स, आई एम अटरिंग ऑल दीज वर्ड. गॉट इट? तो एनंशिएटेड का मतलब आर्टिक्यूलेट या तो अटर करना होता है, प्रोनाउंस करना. वेयर द सेंटर्स डिसीजन हैव प्राइमेसी ओवर दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट दिस डज नॉट एक्सटेंड टू होल्ड ऑफ मीटिंग्स इवन इफ दीज आर कॉल्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर, है ना? तो बोला जा रहा है क्या कि अगर आप स्टेट को एक सबॉर्डिनेट एजेंसी मान रहे हो वो भी गलत है, और अगर सेंटर को आप प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो वो भी गलत है. क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दोनों लोग इक्वल ओहदे में हैं, लेकिन वहीं पे
सेंटर को कस्टोडियन मान के थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया गया है ना। क्या बोला जाता है, अगर कोई भी लिस्ट है ना, कॉन्करेंट लिस्ट या जो हमारा स्टेट लिस्ट है, राइट, तो कोई भी लिस्ट का मैटर अगर फंसता है, स्टेट के डिसीजन को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्टेट को एज अ कस्टोडियन माना गया है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी मेंबर्स को, बाकी हेड ऑफ द फैमिली का बात सुनने के चक्कर में आप फैमिली के बाकी मेंबर्स को नीचे दिखाओगे, ये भी नहीं बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ना डियर, राइट, पढ़ के आप लोग मुझे बताना व्हाट डज द टर्म हाई हैंडेड अप्रोच indicates in the given article, ठीक है। What does the term high-handed approach, term नहीं बोल सकते, rather we can say phrase, high-handed approach indicates in the given article, इस article में high-handed approach term से हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आ गए हम लोग आर्टिकल नंबर 3। ऑलमोस्ट सेम जैसा कंसेप्ट आ रहा है, और कंसेप्ट क्या है, सीड्स एंड फ्रूट, जैसा बोओगे वैसा ही ना फल पाओगे, बताओ, जैसा बोया वैसा ही तो काटा, एक कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो सीड्स मतलब क्या, वही सोइंग के साथ रेफरेंस है, और फ्रूट्स का मतलब जिसका आप आशा कर रहे हो, फल की आशा, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो देखो क्या बोल रहा है, A mechanisms for CM. CMs refers to chief ministers. अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का बात किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ तो, क्या आप लोगों ने सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, लग तो नहीं रहा है ना। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, तो तुरंत जल्दी जल्दी शेयर करिए और उनको इन्वाइट करिए। चलो, A mechanism for chief ministers to cooperate on issues of center-state relations is welcome. बोल रहे हैं chief ministers cooperate करेंगे, यही उम्मीद रखते हैं। जब तक center गलत कुछ नहीं बोल रहा, state तो cooperate कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इस center-state relationship को maintain रखने के लिए थोड़ा बहुत compromise तो सबको करना पड़ता है ना? चलो, next उसके बाद, West Bengal chief minister Mamata Banerjee is called for. Can any one of you tell me the meaning of this particular term, call for, dear? Call for का मतलब बताएगा कोई मुझे? जल्दी जल्दी बोलिए. What is the meaning of this particular term, dear? Call for. बताइए, यहाँ पे तो आयुर्वेदा पाउडर वाउडर के बात में डिस्कशन चल रहा है, चलो इस पे बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी जो पूछ रहे उसका बताइए, राधा मैडम ट्राई करो, कॉल फॉर का मतलब क्या है डियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म? सेंड फॉर बोल सकते हैं, अपील बोल सकते हैं, इनवाइट करना, इनवाइट करना होता है डियर, कॉल अपॉन। चलो देख लो, कॉल फॉर का मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलना, शाउट आउट, क्राई आउट, है ना, राइट। कोई भी चीज का अगर नेसेसरी है, या हेल्प चाहिए, या कोई दावी है हमारा, है ना, दावा रख रहे हैं, तो जोर जोर से बोलने को हम लोग क्राई आउट या शाउट बोलते हैं। इनवाइट करने को, जैसा मैडम आपने बोला इनवाइट करना, तो उसको हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन अलग टर्म से, कॉल ऑन या तो अपॉन वाला जो सेंस है, किसी को विजिट करना, इनवाइट करना, तो वो इनवाइट के सेंस में जाता है, ठीक है, राइट। कॉल फॉर में कभी इनवाइट वर्ड को मत यूज करना, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कॉल फॉर कोऑपरेशन अमंग नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स इन अदर स्टेट्स टू सपोर्ट फार्मर्स एजिटेटिंग अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल लॉ मेड इन जून 2020 सीम्स पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। तो ऐसा लग रहा है
कि ये जो एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट ईयर जून 2020 में, उसके ऊपर फिर से मुद्दे को रेज करना एक बड़े से पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का हिस्सा है ना। नेक्स्ट उसके बाद, इट इज मेंट टू गो बियॉन्ड एडिंग द फार्मर। एडिंग का मतलब क्या है डियर? हेल्पिंग। कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन सिर्फ फार्मर को हेल्प करना नहीं है। हु फियर दीज लॉज कुड मेक देम मोर वल्नरेबल। जिनको ये डर लगता है कि इन लॉज को अगर इम्पोज कर दिया जाए तो मार्केट फ्लक्चुएशन से उनका काफी नुकसान होगा, है ना। फार्मर्स को डर लग रहा है कि अगर इन लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मार्केट जैसे फ्लक्चुएट करेगा, उनका नुकसान तो होता ही है। हमेशा से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं ड्यू टू देयर पुअर कंडीशन, है ना। अपने खर्चे को चला नहीं पा रहे इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। तो स्थिति तो ऑलरेडी खराब है उनकी, वो लोग सोच रहे कि इस फार्म बिल से या एग्रीकल्चरल बिल से उनका स्थिति और डिग्रेड होगा। बट द फोकस ऑन फार्म्स लॉ, लेकिन जो बोला जा रहा है कि फोकस फार्म्स लॉ पे जो रखा गया है, गवर्नमेंट का ये दावी है, विच द गवर्नमेंट सेज वुड मेक द फार्मिंग मोर कॉम्पिटिटिव। बोल रहे हैं कि उसमें और कॉम्पिटिटिव एंथुजियाज्म आएगा, स्पिरिट आएगा, लोग कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उस कॉम्पिटिशन को फार्मिंग में भी इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड रेमुनरेटिव, डियर रेमुनरेटिव का मतलब क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेमुनरेटिव, बताइए। अगर बताओ कोई काम करने से मुझे पेमेंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो वो काम मेरे लिए रेमुनरेटिव है। अब बताओ मीनिंग, मैंने हिंट्स दे दिया। निकिता, फ्रेजल वर्ब की क्लास एक दिन नहीं, हम लोग हर हफ्ते ट्यूसडे फ्रेजल वर्ब की क्लास करते हैं। ठीक है निकिता मैडम, आप ट्यूसडे ट्यूसडे फॉलो करो, एवरी ट्यूसडे हम लोग फ्रेजल वर्ब डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो हफ्ते हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो फिर थर्ड वीक में उसके ऊपर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्रेजल वर्ब का, है कि नहीं? यस। रेमुनरेटिव इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग, है ना। फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग, वेल पेड, वेरी गुड, इज एन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस सेशन ऑफ इलेक्शन के बाद जीतने का, ये उनका पहला पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। सो करना क्या है, इस आर्टिकल को रीड करके बस इसका टोन बताना है। एसर्बिक है, लॉडेटरी है, क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेरर इन द शेल। अब बताओ ये शायल में टेरर, मतलब यहाँ पे लोग एकदम डरे हुए हैं। तो देखो पढ़ते हैं आगे, ग्लोबल पावर्स शुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट पोज्ड बाय इस्लामिस्ट इन अफ्रीका। जो इस्लामिस्ट अफ्रीका में थ्रेट पोज कर रहे हैं, मतलब क्या धमकी दे रहे हैं या उनके तरफ से कुछ हार्म पहुंचने का एक सेंस हमें दिख रहा है, तो जो बड़े बड़े ग्लोबल पावर्स है, मतलब बड़े जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये है आर्टिकल का मेन मुद्दा। तो चलो रीड करते हैं। द मैसेकर, मैसेकर का मतलब क्या है बताओ? निरुपमा, क्या आप मैसेकर का मतलब बोलोगे? वल्नरेबल का मतलब प्रोन टू डैमेज होता है, कोई चीज बहुत जल्दी अगर टूट जाए, खराब हो जाए, तो उसको हम लोग वल्नरेबल बोलते हैं। ठीक है, बताओ आप में से जितने लोगों का आज पहला क्लास है, या नॉर्मली आप यहाँ पे क्लास नहीं करते हो, अगर क्लास सही लगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना डियर। ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना और बगल में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है, राइट। यस, मैसेकर का मतलब होता है तबाही, एकदम स्लॉटर, जहां बहुत सारे लोगों को बेदर्दी से मार दिया जाता है। ठीक है, तो देखो, द मैसेकर ऑफ एटलीस्ट 160 people in a bordered village in Burkina Faso over the weekend is a grim. बताओ grim का मतलब क्या है? What is the meaning of the term grim, dear? Yes, Shivani madam, एकदम correct answer दिया आपने. Death of many people, killing of many people. Shivanshu ने भी बिल्कुल correct answer दिया. हत्याकांड, बहुत सारे लोगों का साथ में है तब. बताइए grim का मतलब बताओ dear. What is the meaning of the term grim? ग्रिम का मतलब है फियर्स, डॉर, या तो स्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होके आप लोगों को पढ़ाती हूँ, इधर का उधर कुछ भी क्वेश्चन किया, आपस में कुछ भी डिस्कशन किया, तो एकदम डांट देते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे लिए ग्रिम,
fierce, dour, ये सारे adjective use कर सकते थे. Yes, बहुत ही ज्यादा severe है ना. Weekend is a grim reminder, बहुत ही एक serious reminder है या fierce reminder है of the threat that Sahel region faces from Islamist terrorism. मतलब Islamist terrorism से जो इस particular region को एक खतरा है, जो खतरा मंडरा रहा है इसके ऊपर, उसके ऊपर है हमारा ये आर्टिकल. फिर देखो, nobody has claimed responsibility, किसी ने इस चीज का responsibility या दावी नहीं रखा है, but Burkinab authorities have named the Islamic State in the Greater Sahara ISGS, which has carried out hundreds of terror strikes. तो इस particular organization का नाम आ रहा है जिन्होंने hundred of terror strikes recent years में implant किया है. The security situation in Burkina Faso, which saw its first major Islamist terror attack in 2015 से सिलसिला चल रहा है, has deteriorated steadily, और उसका जो स्थिति है वो धीरे धीरे deteriorate हो रहा है, especially along the borders with Niger and Mali. तो Niger and Mali के आसपास के जो border region है वहां पे ये वाला situation और ज्यादा deteriorate हो रहा है. This has been the case with much of Sahel region, a 5,900 kilometer long semi-arid territory. मतलब यहाँ पे अभी जो खतरा है इस region के ऊपर, authorities को इस पे ध्यान देने का बात किया जा रहा है. तो by this article, the writer is actually trying to draw the attention of the global powers towards this particular issue. ठीक है, चलो. So ये भी छोटा सा article, उतना बड़ा नहीं है, इसको पढ़ना है और इसका टोन बताना है पब्लिक कमेंट में. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए. ये इंफॉर्मेशन आप सारे लोगों को शायद ऑलरेडी है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एंड पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है ऑफिसर स्केल और असिस्टेंट पोस्ट के लिए. तो आप सारे लोग उसके लिए तैयारी शुरू कर दो, कमर कस लेना है हम लोग को, है कि नहीं, कि अब हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपकमिंग जो भी हमारे पेपर्स है, जैसे कि हो गया एसबीआई, जैसे कि हो गया अभी आईबीपीएस, है ना, सबको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे. गॉट इट? तो उसके लिए हम लोग अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज को परचेस करके एग्जाम देना शुरू कर सकते हैं. और एग्जाम देंगे तो क्या आएगा? डाउट्स आएगा, और डाउट्स आएगा तो उनको क्लियर करेंगे और अपने प्रेपरेशन को बूस्ट करेंगे, है ना, राइट. तो बिना एग्जाम दिए कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, है कि नहीं, राइट. अगर आप एग्जाम ही से ही डरोगे तो आपका अल्टीमेट एम क्या है डियर? आपको जाके एग्जाम ही तो क्लियर करना है. तो अलग अलग जो ई बुक्स हमारे पोर्टल्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ टारगेट बैचेस भी शुरू हो रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के ऊपर, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है 3 से 5 के बीच में. और एक बैच है अपकमिंग 23 तारीख में 10:30 से 12:30 के बीच में. फाइन, तो आप सारे लोग इनमें एकदम तुरंत एनरोल करिए, और एनरोल करते वक्त जरूर से इस कोड को यूज कर लेना, E08717. फाइन, तो आपका जो भी इस कोर्स का जो भी फीस रखा गया होगा, बहुत ही नॉमिनल कुछ है, है ना, तो उस पे आपको एक इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ कोर्स, राइट. चलो अब आ गए हम लोग फ्राइडे स्पेशल ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाले पार्ट में. तो क्या आप सारे लोग रेडी हो? Yes or no? Are you people ready? क्या आप सारे लोग ready हैं एक दूसरे को challenge करने के लिए? परवीन, अगर आप already महिंद्रा के student हो dear, तो आपके ST portal पे regular STs आ रहे हैं. अगर आप वो सारे ST cover up करके और extra practice करना चाह रहे हो, तब आप ये mock paper purchase कर सकते हो. ठीक है, चलो. यस यस यस, अना मंडल, आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. कैन यू प्लीज एलाबोरेटली डिस्कस योर क्वेश्चन? आपका डाउट जो है ना, शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, या क्या आपने बोला है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा. चलिए स्टार्ट करिए. क्वेश्चन नंबर 1, the principal has to carry out the orders issued by the high authorities. So yahan pe agar hum logon ne aapse pucha ki carry out
का मतलब क्या है? तो आप लोग आंसर में क्या बोलोगे? कैरी आउट का मतलब क्या है डियर, बताओ। और जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं डियर, सारे के सारे ईच क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मेमोरी बेस्ड पेपर, ठीक है? ईच क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर। चलिए आंसर्स आ गए हैं, लेकिन ज्यादातर आंसर्स गलत है डियर। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? कैरी आउट जब भी बोलोगे ना, उसका मतलब होता है डियर एग्जीक्यूट करना। गॉट इट? एग्जीक्यूट इज द करेक्ट आंसर, रादर देन ओबे, कम्युनिकेट या मॉडिफाई। हाँ, अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तब जाके कहीं ओबे का सोचते, लेकिन एग्जीक्यूट के रहते हुए ओबे बिल्कुल भी नहीं आएगा आंसर में। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या है? द यंग इंजीनियर वॉज हॉल्ड अप फॉर स्पिलिंग द बीन्स। अच्छा रुको, स्पिलिंग द बीन्स है हमारा idiom. Spilling the beans about the new project to the competitors. अच्छा अना मंडल, क्लास खत्म होने के बाद देखना, इसी वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा, उसको पब्लिक कमेंट बोलते हैं डियर, ठीक है? वीडियो खत्म होने के बाद नीचे देखना, बहुत सारे आपके दोस्त लोग आंसर देते हैं ना कमेंट करके, तो आपको वहीं पे कमेंट करना है। गॉट इट? यस। रिवीलिंग इंफॉर्मेशन मतलब सीक्रेट बता देना, स्पिलिंग द बीन्स का मतलब होता है टू डिस्क्लोज सीक्रेट्स। तो जो बिजनेस सीक्रेट है उसको बता दिया गया, तो स्पिलिंग द बीन्स का मतलब रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, ठीक है? इनडिस्क्रीटली हम इंफॉर्मेशन को रिवील कर दे रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री फटाफट स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताओ। करेक्ट, एट ए रैपिड पेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स। और ये वाला कई बार आया है एग्जाम में, ये जो बाय लीव्स एंड बाउंड्स है ना, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फटाफट स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर फोर, laying off thousands of workers is inevitable under the new economic policy. क्या बोलेंगे? laying off का मतलब, what is the meaning of the term laying off? laying off का मतलब क्या? dismissal from jobs, एकदम job से निकाल देना है ना, job से खारिज कर देना या relieve कर देना, उसको बोलते हैं laying off. next, I take thee at thy words. तो take someone at his word, इसका मतलब क्या है? take someone at his word, बताइए प्रभात कुमार सर या दीपक सर, फटाफट बताओ। take someone at his or her word, इसका actual ED में, ये तो Shakespearean English है ना, इसलिए दो दाव वाला भाषा है, इसका actual idiom है take someone at his words.
मतलब आप उस इंसान के शब्दों पे पूरा बिलीव कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो उन पे, है ना? आप क्या कर रहे हो, आप उन पे विश्वास कर रहे हो. नेक्स्ट, आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी जल्दी, क्विकली बताओ. कम टू ग्रीफ है इसका आइडियम, कम टू ग्रीफ. अच्छा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली लेआउट है. लेआउट, लेआउट का मतलब बताओ क्या है. यस, करेक्ट आंसर इज पेंट, है ना? अच्छा कम टू ग्रीफ का मतलब क्या होगा बताओ. तो ये इडियम पूछा नहीं गया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कम टू ग्रीफ इसका मतलब क्या है, कम टू ग्रीफ का मतलब विल नॉट बी इन अ वेरी गुड पोजिशन. या तो आप बोल सकते हो लैमेंट इन फ्यूचर, ठीक है? समझे कि नहीं बताओ. यस, सफर भी बोल सकते हैं. वेरी गुड. अब देखिए ये कुछ बैचेस है जो फाउंडेशन क्लास का हम बात कर रहे थे, वो ये है. इंग्लिश का फाउंडेशन बैच चालू हो रहा है, रीजनिंग का फाउंडेशन, एंड फिर यहाँ पे आ गया जीएस का फाउंडेशन. तो जिसका जो वाला पार्ट में थोड़ा सा वीक है, ठीक है, जिसका जो पार्ट वीक है, आप लोग उस हिसाब से इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो. जो भी अपनी दिक्कतें हैं सर या मैडम जो भी लोग हैं उनसे डिस्कस करके अपने उस पार्ट को ब्रश अप करके एकदम एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हो, क्योंकि सारे एग्जाम लाइंड अप हो चुके हैं. आप सारे लोगों को क्या करना है, अच्छे से तैयार होना है, राइट? तो जिसका जो वीक पॉइंट है, इंग्लिश बोलो, रीजनिंग बोलो, जीएस बोलो, अच्छे से ज्वाइन करके एकदम अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना है, राइट? और इन बैचेस में अगर आप एनरोल कर रहे हो तो डू यूज दिस कोड, यस ऑर नो? अगर आप खुद से एनरोल कर रहे हो, महिंद्रास ORG, www.mahindras.org में विजिट करिए, करके एनरोल करिए, और प्रोमो कोड में ये वाला कोड अटैच कर लीजिए, तो वही बात है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक, ठीक है? चलिए. अच्छा फैजल सर का रीजनिंग में दिक्कत है, तो आप देखो रीजनिंग, जय सर और इप्सिता मैडम ले रही हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, है ना? चलो अब लास्ट डे का होमवर्क देख लिया जाए. कुछ थोड़ा बहुत मैंने होमवर्क दिया था ना आर्टिकल्स के ऊपर, तो चलिए देखते हैं किन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया और क्या है होमवर्क. शिवानी मैडम, फिर यहाँ पे ये होमवर्क नहीं था. विनम्र, शिवानी, इतिश्री, पल्लवी, शौरोजीत एंड लोमेश, दीज वर द पीपल जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, ठीक है, राइट? अब देख लेते हैं. हमने आपको टोन बोला था, चारों के चारों पैसेज का टोन बोला था. तो फर्स्ट वाले पैसेज का अगर हम लोग बात करें, राइट, फर्स्ट वाले पैसेज में ऑफकोर्स इंफॉर्मेटिव है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव बोलने के बाद ना, यस और नो? तो क्रिटिसिज्म पहले आएगा डियर, इंफॉर्मेटिव बाद में चला जाएगा. तो क्रिटिसिज्म टोन नहीं होता शिवानी मैडम, एसर्बिक या सिनिकल टोन होता है. देखो यहाँ पे लिखा है सिनिकल, यहाँ पे लिखा है एसर्बिक, है ना? क्रिटिसिज्म टू इंफॉर्मेटिव, ये क्रिटिसिज्म वर्ड को हटा दीजिए, इसको एसर्बिक बोल दो. बाकी सारा करेक्ट है, देखो सबका करेक्ट है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसर्बिक टू इंफॉर्मेटिव, आप इस तरीके से चल सकते हो. नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल नंबर टू, एनालिटिकल टू सजेस्टिव. ओके, एनालिटिकल का अगर हम लोग बात करें तो एनालिटिकल इज अ वेरी गुड टोन, आप बोल सकते हो एनालिटिकल, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा इतिश्री गड़बड़ हो गया डियर, ये इंफॉर्मेटिव नहीं है. अपना ओपिनियन जब भी देंगे ना, ठीक है, अपना ओपिनियन या क्या हो सकता है, क्या होगा, ऐसा अगर हम लोगों ने बोला तो वो एनालिटिकल होता है. तो ये थोड़ा सा आप लोग रेक्टिफाई कर लेना, गॉट इट? एंड वेरी गुड, आप सारे लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, सारे आर्टिकल्स को पढ़ा, पढ़ के यहाँ पे लिखा है, दैट्स अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप. आप सारे लोगों को कीप इट अप डियर, फाइन? और अगर हमारे नॉर्मल जो बैचेस है बैंक और एसएससी के, वो यहाँ पे है. इसमें से जो भी बैच आपके टाइम के अकॉर्डिंगली, डेट के अकॉर्डिंगली सुटेबल है, आप लोग एकदम वेलकम हो, यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हो. और कुछ भी अगर गाइडेंस का जरूरत पड़े कि किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, मैम नहीं समझ में आ रहा, हाउ टू एनरोल इन दिस बैचेस, जैसा आप में से मैक्सिमम लोग टेलीग्राम पे पूछते हो, वो लोग इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके अपने क्वारीज को रिजोल्व कर सकते हो,
ठीक है, चलिए फिर। इनके अलावा अगर कोई फर्दर डाउट या क्वेरी है डियर, तो एकदम इंग्लिश महिंद्राज लाइव में या श्राय महिंद्राज में आप लोग अपने डाउट्स पोस्ट करो। अगर फॉर टुडे हम लोग बोले तो जैसा कि मैंने बोला 4 to 5 PM टिल नाउ आई एम फ्री, इसके बीच अगर आप लोग डाउट पोस्ट करोगे तो हो सकता है मैं इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर दूं। ठीक है, चलिए फिर 8:30 बजे आपको करना क्या है, मैथ्स क्लास ज्वाइन कर लेना है। एकदम तुरंत क्लास छोड़ते ही मैथ्स क्लास में लाइन अप करना है। ठीक है, मैथ्स क्लास ज्वाइन करना है। हमारी दोबारा मुलाकात होगी 9:30 पे। और आज का 9:30 का टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मल्टीपल एरर। एक न्यू पैटर्न का जो है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ट्रेडिशनल वाला नहीं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन एट 9:30 AM। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।